ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। आज की इस पूरी वीडियो में हम जो रिफॉर्म चल रहे हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन पारसी रिफॉर्म, उनसे रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट, एयर वाइज, नेम वाइज फैक्ट किसने चलाया था, ठीक है, और कौन कौन से दूसरे नाम इनसे एसोसिएटेड हैं और इसका इतना ज़्यादा रेलिवेंस क्या है। सेकंड उसी फॉर्मेट में सिख रिफॉर्म करेंगे, उनसे रिलेटेड जो लोग हैं उनको डिस्कस करेंगे। और थर्ड वन इज़ थियोसोफिकल मूवमेंट, ये क्या है, ये एक फॉरेन मॉडल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और थियोसोफिकल सोसाइटी ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन बना चुकी है। तो आज के पूरी वीडियो में हम तीन चीज़ें करने वाले हैं जो रिफॉर्म मूवमेंट के मेजर फैक्ट होते हैं। अगली वीडियो में विमेन रिफॉर्मर को डिस्कस करेंगे, ये भी एक लाइन में पूछा जाता है। विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड अभी हमारी सरकार ने बजट में भी बहुत सारे प्रोविज़न किए हैं, तो जो भी बजट में चीज़ होती है वो पूछी जाएगी। तो हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 499 रुपीज़ में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट, 13 मंथ का करंट अफेयर मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे फोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। राइट, पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सिक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, ये अनलिस्टेड लिंक हैं। तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे, चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रिलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रिलिम्स के लिए ही होगी जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट एडुप्सा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स। रहनुमाई सभा रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन 1851, ठीक है, ये सभा है, ये पारसी वर्ड है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन। ये बना था 1851 में, ये किससे एसोसिएटेड है, पारसी लोगों से, बाय ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड पारसीज। मतलब ये उनने शुरू किया, जो ऐसे पारसी हैं जो बाहर भी पढ़े हुए हैं, उसके बाद यहाँ आके इन्होंने मूवमेंट चलाया। तो जनरली ये पढ़े लिखे लोगों ने ही मूवमेंट चलाया। सेकंड, द मूवमेंट हैड लीडर्स लाइक नावरोजे, दादा भाई नावरोजे, के आर कामा, SS बंगाली। तो इन लोगों ने पारसी मूवमेंट चलाया, इंग्लिश एजुकेटेड बंदे थे। 1851 में रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन चला दिया। कुछ नाम याद आ गए, सबसे बड़ा नाम है दादा भाई नावरोजी। तो पारसी रिफॉर्म मूवमेंट में जो लोग ये जुड़े हैं उनसे रिलेटेड एक न्यूज़पेपर भी है, न्यूज़पेपर का नाम है रस्त गोप्तर। ये प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जाएगा, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट में रस्त गोप्तर एक नाम था, उसको क्या बोला जाता था, ट्रूथ टेलर, राइट, जो मतलब उस समय क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा है, तो ज़्यादातर ये ट्राई करेंगे कि सोसाइटी का ग्राउंड लेवल पर जो सच्चाई है, रिलेटेड टू रिलीजियस हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, उस पर ये एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे जिसका नाम था रस्त गोप्तर। पारसी रिलीजियस रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस वर रिफॉर्म्ड एंड द पारसी क्रीड रिडिफाइंड। बार बार क्या हो रहा था, जब देखिए कोई भी मूवमेंट चलता है धर्म के बेसिस पे, तो बहुत सारी चीज़ें उस समाज के बेसिस पर गलत हो रही होती हैं। तो उस कम्युनिटी के लोग, जैसे पारसी है तो पारसी मूवमेंट चलाया, सिख लोग हैं तो सिख मूवमेंट चलाएंगे, तो वो लोग धीरे धीरे समाज में जो चीज़ें इल प्रैक्टिसेस चल रही थी उसके सुधारने में लगे हुए थे। धीरे धीरे कैसे कैसे प्रोविज़न इन्होंने बनाए, गाइडलाइंस, ताकि इन्होंने ये फैलाया कि जिन भी जो भी पारसी कम्युनिटी है उन तक ये गाइडलाइन पहुंचे और वो सब लोग फॉलो करें। इन सोशल स्पेयर अटेम्प्ट्स वर मेड टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ पारसी वीमेन थ्रू रिमूवल ऑफ पर्दा सिस्टम, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज एंड एजुकेशन। पारसी महिलाओं पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, जिस पर पर्दा सिस्टम को हटाने की बात की गई, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज, जो बच्चों की शादी की एज को बढ़ाने की बात की, और शिक्षा के बारे में बात की। आपको एक चीज़ ये है, महिलाओं के लिए, पारसी महिलाओं के लिए किया,
जो रिचुअल्स प्रैक्टिसेज इल प्रैक्टिसेज चल रही थी पारसी धर्म के अंदर, उनको इन्होंने रिडिफाइन किया, उनको दोबारा मेंशन किया। दादोभाई नौरोजी, KR कामा जैसे बड़े नाम इनसे जुड़े हुए हैं। और रहनुमाई मजदासनन सभा, इसे रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन कहते हैं, 1851 में ये बनी थी। साथ ही साथ हम दूसरे फैक्ट को भी बात करते हैं। दिस फैक्ट इज रिलेटेड टू सिख रिफॉर्म मूवमेंट। थ्रू द एफर्ट ऑफ सिंह सभाज 1870 एंड विद ब्रिटिश सपोर्ट द खालसा कॉलेज वॉज फाउंडेड एट अमृतसर इन 1892। अब क्या हुआ, एक सभा बनी 1870 में, और इस सभा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सपोर्ट किया, और इसके चलते हुए एक कॉलेज वहाँ पर बना दिया गया जहाँ पर लोग शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे। तो खालसा कॉलेज बना दिया गया अमृतसर में 1892 में। दिस कॉलेज एंड स्कूल सेटअप एज ए रिजल्ट ऑफ सिमिलर एफर्ट प्रमोटेड गुरुमुखी सिख लर्निंग एंड पंजाबी लिटरेचर एज ए होल। इस कॉलेज का मेजर एम शिक्षा था, समाज में जो यूथ हैं उनको शिक्षित करें, और जितने ज़्यादा शिक्षित होंगे उतने ज़्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनी हिस्ट्री को जान पाएंगे। तो उन्होंने गुरुमुखी को प्रमोट किया, सिख लर्निंग को प्रमोट किया, जैसे बुद्ध लर्निंग होती है ना, महावीरा की लर्निंग थी उनको प्रमोट करने की बात की बुद्धिज्म में, जैनिज्म में। तो वैसे ही यहाँ पर भी सिख रिफॉर्म मूवमेंट में एक कॉलेज बना दिया गया, खालसा कॉलेज। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा, ये तो पूरी स्टोरी थी, पर क्वेश्चन आएगा खालसा जो कॉलेज है वो कब बना। खालसा कॉलेज बना था 1892 में, ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है। अब होता क्या है, आफ्टर 1920 द सिख मूवमेंट गेन मोमेंटम व्हेन द अकाली मूवमेंट रोज इन पंजाब। 1920 के टाइम में सिख मूवमेंट और तेज़ी से बढ़ा, जब पंजाब में अकाली मूवमेंट चला, इट इज़ रिलेटेड टू सिख कम्युनिटी। द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाली वॉज टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारा और सिख श्राइन। रिलीजियस सिख कम्युनिटी से मूवमेंट जुड़ा है, तो आप सबको पता है पंजाबियों का तो मेजर एम यही रहता है, चाहे किसी भी जगह में गुरुद्वारा खोलना है, और वो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगते हैं, जितने जिल की इच्छा होती है उनका। तो मुझे तो पर्सनली, मैं हिंदू हूँ बट मुझे पर्सनली सिख धर्म बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, ठीक है। गुरुद्वारा की वजह से सोचो, जितने लोगों को खाना नहीं मिलता गुरुद्वारा में, लंगर में आप जाओ तो कभी भी किसी के लिए मना नहीं होता, भिखारी हो या कितना ही राजा हो, है ना। तो कितनी अच्छी चीज़ है, कम्युनिटी किचन इन्हीं को कहते हैं, यहाँ तो फ्री, वैसे कम्युनिटी किचन 5-5 रुपये में थाली लगाते हैं, उसको मेल न्यूट्रिशन के लिए हम कम्युनिटी किचन बेस्ट एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल में आप लंगर का भी मेंशन करें, ठीक है, एग्जांपल में लंगर का भी मेंशन किए, तो उसमें ही अकाली मूवमेंट के, देखो उस समय से चला आ रहा है कि गुरुद्वारा उसको अच्छा करना है, जहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की व्यवस्था। दैट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रिस्ट और महंत हु ट्रीटेड दैम एज देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। अकाली दल का मेजर एम यही था कि गुरुद्वारा और सिख श्राइन का इम्प्रूवमेंट करना, और ऐसा नहीं कि वहाँ कोई भी मैनेज करेगा, एक या तो पुजारी होगा या महंत होंगे जो उसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझकर मैनेज करेगा। तो अकाली दल जब शुरू हुआ उसी को मूवमेंट पकड़ते हुए सिख रिफॉर्म मूवमेंट बहुत तेज़ी से फैला। इन सब का पूरा मेजर एम है, ये सब चीज़ें बातें कहाँ से उभर कर आई, बातें आई खालसा कॉलेज, जो बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े जो बच्चे होंगे वो बातें जो ऐसे ही सर्कुलेट होती हैं चीज़ें कि क्या हो रहा है समाज में, राइट। तो इंटेलेक्चुअल, पंजाबी लिटरेचर, इन सबको, सिख लर्निंग, इन सबको बढ़ाने की बात की गई सिख रिफॉर्म मूवमेंट में। तो यहाँ से फैक्ट एक कॉलेज वाला कर लेना, और दूसरा अकाली वाला कि अकाली जो मूवमेंट है उसका मेजर एम क्या था, गुरुद्वारा का मैनेजमेंट कराना। अकालीज में ऐसा भी पूछ सकते हैं, चार ऑप्शन ऐसे दे सकते हैं, एक तो गुरुद्वारा का अच्छे से मैनेजमेंट करना या रिलीजियस प्लेसेस का अच्छे से मेंटेन करना, एक ऑप्शन ये जो सही ऑप्शन है। गलत ऑप्शन में वो क्या दे देंगे कि गुरुद्वारा के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को ब्रिटिश सरकार से छीनना अकाली मूवमेंट था, ये भी तो पूरा ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट जेन्यून आंसर है, बट एक्चुअल में अकाली वॉज टू इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ द गुरुद्वारा, ठीक है, अकाली इसका यही मेजर एम था। साथ ही साथ अब हम एक और फैक्ट करते हैं रिलेटेड, इन 1925 ए लॉ वॉज पास्ड विच गेव द राइट ऑफ मैनेजिंग गुरुद्वारा टू श्रीमोनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। 1925 में एक कानून भी पास किया गया विच गेव द राइट ऑफ मैनेजिंग गुरुद्वारा टू श्रीमोनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और
इतना अच्छा मोमेंट चला कि जो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उसको गुरुद्वारा को मैनेज करने के लिए भी हाँ बोल दिया गया। 1925 में ऐसा कानून आया। नाउ नेक्स्ट बात हम करेंगे द थियोसॉफिकल मूवमेंट। इन 1875 ए रशियन स्पिरिचुअलिस्ट नेम्ड मेडेमे ब्लावात्स्काई एन अमेरिकन कॉल्ड कर्नल ऑलकोट फाउंड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन अमेरिका। आपसे ये भी पूछा जाता है थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है वो कहाँ बनाई गई थी, वो अमेरिका में बनाई गई थी। कर्नल ऑलकोट प्लस मैडम ब्लावात्स्काई कहाँ 1875 में, अपने बेसिस पर आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। द सोसाइटी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई इंडियन डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा। इन 1886 दे फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी एट आदियर नियर मद्रास। तो 1886 में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को बनाया था कहाँ, नियर मद्रास। एनी बेसेंट एंड आयरिश वूमेन हु केम टू इंडिया इन 1893 हेल्प द थियोसॉफिस्ट मूवमेंट टू गेन स्ट्रेंथ। तो बाद में क्या किया, एनी बेसेंट थी एक आयरिश वूमेन थी जो इंडिया आई 1893 में और इस मूवमेंट को कंट्रीब्यूशन दिया। एनी बेसेंट वॉज द फाउंडर ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस विच लेटर डेवलप्ड इनटू द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अभी जो प्रेजेंटली BHU जिसे आप कहते हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो उसकी फाउंडर है एक्चुअल में एनी बेसेंट। तो यही फाउंडर है सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस। पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, बाद में इसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोला गया। तो कितनी मेजर चीज़ है थियोसॉफिकल मूवमेंट कहाँ बना, अमेरिका में। दो लोगों ने बनाया, ये रशियन स्पिरिचुअलिस्ट थे 1875 में और उसके बाद 1886 में मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई। इंडिया की बात करें तो देखो, सबसे पहले 1875 में अमेरिका में, 1886 में यहाँ पर आए रशियन स्पिरिचुअल्स। 1886 में उन्होंने मद्रास में बनाई, 1893 में इससे जुड़ी एनी बेसेंट थियोसॉफिस्ट मूवमेंट से, और बाद में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया बनारस में, और ये अभी का BHU है। एट द एंड हमने सभी पॉइंट पढ़े रिलेटेड टू रिफॉर्म्स। यहाँ पर बात आती है थियोसॉफिकल का मतलब क्या होता है, वही गॉड से रिलेटेड, गॉड के बारे में पढ़ाना, उनकी जानकारी देना, ये सब थियोसॉफिकल डेफिनेशन में आएगा। साथ ही साथ थियोसॉफिकल जनरली USA में इमर्ज हुआ, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, और उसका मेजर मतलब यही रहता है कि जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म कराते थे अपनी टीचिंग्स, वैसे ही सिमिलर टीचिंग इसकी है थियोसॉफिकल मूवमेंट की भी। उसमें यह बोला जाता था कि आपके कर्म के बेसिस पर आपका जो आउटपुट रिजल्ट है वो आपके कर्म के बेसिस पर ही मिलेगा, मतलब सिमिलर टू कर्मा, ये अपने ही थॉट लोगों तक पहुंचाता था। तो आज के हमने तीन चीज़ें कर ली, पारसी रिफॉर्म, सिख रिफॉर्म एंड द थियोसॉफिकल मूवमेंट। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे विमेंस के बारे में, विमेन रिफॉर्म के। बाकी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में, आपको बिना स्पेस दिए टेलीग्राम में PR पब्लिकेशन सर्च करना है। आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन PR पब्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए रिगार्डिंग एनी एग्जाम पंकज बोरा 534 इंस्टाग्राम की आईडी है, मैसेज भेज के अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। आपको आगे आने वाली जो NCERT MCQ टेस्ट सीरीज है 6th to 12th, हर एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस एंड टेक प्लस प्रीवियस ईयर 15 साल के जो क्वेश्चन हैं वो ₹499 में लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया जाएगा। PDF के फॉर्मेट में होगी। आपको करना बहुत सिंपल है, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं या सिंपल इस नंबर पर 7505134891 पर गूगल पे फोन पे करेंगे, और जो भी पेमेंट होगी उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको वो PDF सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।